हेलो एवरीवन, आज का वीडियो ब्लड पार्ट 4 वीडियो है। आज हम जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में, और बायोलॉजी का ये 9th वीडियो है। क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज के सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सबसे पहले आता है ब्लड ग्रुप की खोज। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में, और 1930 में इन्हें ब्लड ग्रुप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और 1930 में ही हमारे भारत के सीवी रमन उनको नोबेल प्राइज मिला था। पहले के वीडियो में हम ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्लड में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक तो तरल वाला पार्ट जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि करीब 55% होता है, और दूसरा रुधिराणु कॉर्पसल्स यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स, जो कि 45% होती हैं। हमारा जो प्लाज्मा पार्ट है, प्लाज्मा पार्ट में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। कौन सी बॉडी? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी दो टाइप की हैं, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। ये मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, ये है आपका एंटीबॉडी ए और ये एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी बी में मैंने खाली ये एक स्पाइक बनाया है, इसका ये एक वाला है ना, बाकी आगे जो हम पढ़ेंगे इस एक स्पाइक से ही पढ़ेंगे। तो एंटीबॉडी जो ए है, इसमें जो बाहर की तरफ इस शेप में रहते हैं ये वाले, ए की तरह दिखाई दे रहा आपको, और जो एंटीबॉडी बी है, बी में ऐसे गोल में रहते हैं, गोल ये वाले है ना, यानी बी भी गोल है, बी की तरह ही है। तो प्रश्न उठता है कि एंटीबॉडी रक्त में कहां पर पाए जाते हैं, तो ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। दूसरा जो रुधिराणु में आरबीसी है, आरबीसी पर एंटीजन पाए जाते हैं, आरबीसी पर एंटीजन, और एंटीजन भी दो टाइप के हैं, एंटीजन ए व एंटीजन बी, एंटीजन ए व एंटीजन बी। अभी एंटीबॉडी भी ए एंड बी थे और एंटीजन भी ए एंड बी हैं, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो उसके लिए एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए व स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और एंटीजन को कैपिटल ए व कैपिटल बी से। ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो होता है एंटीजन से। जिस ब्लड के आरबीसी पर एंटीजन ए होगा उसे हम ब्लड ग्रुप ए कहेंगे, जिस ब्लड के आरबीसी पर एंटीजन बी होगा उसे हम बी ब्लड ग्रुप कहेंगे, और जिस ब्लड की आरबीसी पर एंटीजन ए व एंटीजन बी ये दोनों होंगे तो उसको हम कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप, तथा जिस ब्लड की आरबीसी पर नहीं तो एंटीजन ए हो और नहीं ही एंटीजन बी हो वो होगा ब्लड ग्रुप ओ। तो एक एक करके इन एंटीजन को देखते हैं। ये मैंने सेल बनाई है आरबीसी, आरबीसी है, इस आरबीसी के बाहर ये प्रोटीन है, बाहर ये नोक की तरह बना रखा है, ये जो नुकीला टाइप का है यानी एक ही शेप का ही है, ऐसा ये है ना, एक ही शेप का है नुकीला टाइप। तो इस टाइप का जो एंटीजन है, इस एंटीजन को हम बोलते हैं एंटीजन ए। कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए, ये बाहर नुकीले रहेंगे ऐसे। अभी जिस ब्लड की आरबीसी पर ये एंटीजन ए है वहां पर एंटीबॉडी कौन सी होगी? अभी देखिए ये नुकीले वाला पार्ट है, अगर इसके साथ हम एंटीबॉडी ए को लगा दे, एंटीबॉडी ए को लगाएंगे तो यहां पर ये अटक जाएगा, क्योंकि इसका शेप देखिए और इसका शेप देखिए, यानी इनके सिंग आपस में फंस जाएंगे। अभी ये जो एंटीबॉडी है ये भी ब्लड में तैर रही है और आरबीसी वो भी ब्लड में तैर रही है ना, जब इनके सिंग आपस में फंस जाएंगे तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, एकदम चिपचिपा हो जाएगा, बिल्कुल चिपचिपा। तो जहां पर एंटीजन ए होगा वहां पर एंटीबॉडी हमेशा बी होगी, एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। अगर एंटीबॉडी बी है तो ये गोल वाला है, तो ये इसके अंदर इसके सींग नहीं फंसेंगे, इजीली फ्लो कर सकते हैं। डॉक्टर जब ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका एक बूंद ब्लड डालेंगे, स्लाइड पर रखेंगे, ग्लास की स्लाइड पर है ना, उसको रगड़ेंगे, रगड़ के उसको पतला करेंगे, और उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और माइक्रोस्कोप में क्या देखेंगे? वो एंटीजन को देखेंगे, एंटीजन कैसा है। अगर बाहर ऐसे वाले नुकीले लगे हुए हैं, नुकीले, तो उसको बोलेंगे एंटीजन ए। नुकीले वाला कौन सा है? एंटीजन ए है, यानी इससे याद रख लो ए की तरह बना है, ए भी ऐसा बना है और जो बाहर नुकीले भी ऐसे हैं, एंटीजन ए। और अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप होगा उसका ए। अभी इसके साथ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी में से कौन सा लेंगे हम? ये वाला लेंगे या ये? अगर एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी भी अगर ए हो गया, ये वाला होगा ऐसा, तो इस हिस्सा में ये नुकीले पार्ट है ये फंस जाएगा, अटक जाएगा, तो अटक जाएगा तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके एंटीबॉडी हैं ये भी प्लाज्मा में तैर रहे हैं, और एंटीजन है जो कि आरबीसी पर है, आरबीसी भी प्लाज्मा में तैर रही है।
तो ये दोनों अटक जाएंगे, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। इसलिए आरबीसी पर अगर ए एंटीजन है तो उसके साथ हमेशा एंटीबॉडी बी होगा। एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा, ऐसी शेप वाला, ताकि ये इसमें अटके नहीं। इसी तरह अगर ऐसे नुकीले पार्ट नहीं दिखाई दे करके जब माइक्रोस्कोप से देखा, अगर इस टाइप के दिखाई दिए ऐसे वाले, है ना, यानी जो बी की तरह है, यानी ये है एंटीजन बी, एंटीजन बी। अगर नुकीले दिखाई दिए थे तो एंटीजन ए, यानी वो ब्लड ग्रुप ए है। अगर इस टाइप के दिखाई दिए तो वो एंटीजन बी है, यानी ब्लड ग्रुप बी है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके साथ एंटीबॉडी कौन सा होगा? तो एंटीबॉडी ए होगा, क्योंकि अगर इसके साथ में बी वाली को लगाएंगे एंटीबॉडी को, ये एंटीजन बी है, ये एंटीबॉडी बी, तो ये वाला हिस्सा इसमें अटक जाएगा, यानी वही फिर से सींग फंस गए, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। तो एंटीजन बी के साथ हमेशा एंटीबॉडी ए होगा, एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी ए। अगर ब्लड की आरबीसी पर ये दोनों दिखाई दे जाएं, ये ए की तरह नुकीला वो भी हो और ये बी की तरह वाला भी हो, यानी इस शेप में, यानी इस आरबीसी पर एंटीजन ए व एंटीजन बी दोनों मौजूद हैं, तो इस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे ए बी। और इसके साथ एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी अगर बी वाली लगाएंगे हम तो ये अटक जाएंगे, अगर एंटीबॉडी ए को लगाएंगे तो ये अटक जाएंगे, यानी इसके साथ में एंटीबॉडी नहीं होगी। सो ब्लड ग्रुप ए बी के साथ एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी। अगर ब्लड की आरबीसी पर नहीं तो एंटीजन ए हो ऐसे वाला और नहीं ही एंटीजन बी हो ऐसे वाला, ये दोनों ही लापता हूं, यानी नहीं एंटीजन ए है नहीं एंटीजन बी है, तो उस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ओ। और सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप ओ ही होता है, एशिया में करीब 45% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ मिलेगा आपको, और ओ में भी पॉजिटिव वाला ज्यादा, करीब 37-38% ओ पॉजिटिव का रहता है। तो अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ के साथ एंटीबॉडी कौन सी होगी? भाई इसके बाहर तो नहीं तो ये नुकीला है और नहीं ये सी की शेप वाला है, यानी कोई भी एंटीबॉडी लेकर के आ जाओ कुछ भी अटकने वाली है ही नहीं, यानी इसके सींग नहीं है तो सींग अटकेंगे कहां पर। तो ब्लड ग्रुप ओ के साथ हमेशा एंटीबॉडी दोनों होगी, एंटीबॉडी ए व एंटीबॉडी बी। उसके बाद आता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व एएस विनर ने की थी। आरएच फैक्टर की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर व एएस विनर, इन्होंने 1940 में की थी। यानी जब ब्लड ग्रुप की खोज 1900 में हो गई थी और आरएच फैक्टर की खोज 40 साल बाद हुई है 1940 में। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर व एएस विनर ने। इन दोनों ने रिसस बंदर, रिसस बंदर जो लालमो वाला है ना, जो लालमो वाला रिसस बंदर है, उसके खून की आरबीसी पर कुछ एक अलग तरह की संरचना देखी। तब तक उनको ब्लड ग्रुप के बारे में तो मालूम था, ये ब्लड ग्रुप एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ, ये तो पहले से मालूम था। अभी एंटीजन के सिवाय इनको साथ में एक और दिखाई दिया, कुछ यहां पर ऐसे रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है, तो ये देखकर क्यों अचंभे में पड़ गई, ये क्या है? फिर उन्होंने दूसरे बंदर का ब्लड लिया, दूसरे बंदर के ब्लड के बाहर में ये रेक्टेंगल टाइप के नहीं थे। उसके बाद उन्होंने बहुत से बंदरों का ब्लड कलेक्ट किया और उसको चेक करना चालू किया, तो कुछ बंदरों के ऊपर इस टाइप की आकृति दिखाई दी और कुछ पर नहीं दिखाई दी, यानी जिसके ऊपर आकृति दिखाई दी उसको नाम दिया आरएच पॉजिटिव, जिस आरबीसी पर ऐसी संरचना पाई गई उसको नाम दिया आरएच पॉजिटिव, और जिस आरबीसी पर ऐसी संरचना नहीं पाई गई उसको नाम दिया आरएच नेगेटिव। अभी जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक दूसरे का खून चढ़ाते हैं, तो उस समय अगर आरएच पॉजिटिव है तो आपको आरएच पॉजिटिव वाला ही ब्लड चाहिए, अगर आरएच नेगेटिव है तो उसको आरएच नेगेटिव वाला ही चाहिए। जैसे सपोज करो कि ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव ब्लड है तो उसको ए पॉजिटिव ही चाहिए, ए नेगेटिव नहीं। अगर ए नेगेटिव उसको चढ़ा दिया, मान लो इसका था ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव था और आपने ए नेगेटिव ब्लड चढ़ा दिया इनको, तो पहली बार में तो ज्यादा फर्क नहीं होगा, अगर दोबारा चढ़ा दिया तब तक बॉडी क्या है, आरएच नेगेटिव के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बन जाएंगी, ब्लड में एंटीबॉडी बन जाएंगी, जो अगर दूसरी बार भी चढ़ा दिया तो फिर काफी परेशानी होगी, मौत भी हो सकती है, मौत होने के चांसेस ज्यादा है। इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ, मान लो एक का ब्लड पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव है, सपोज करो कि ये है फादर और ये है मदर, अगर फादर का ब्लड पॉजिटिव है और मदर का नेगेटिव है तो इनकी पहली संतान के दौरान
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहली संतान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दूसरी संतान या तो गर्भ के दौरान ही मर जाएगी या पैदा होते ही तुरंत मर जाएगी, क्योंकि डिलीवरी के दौरान बच्चे का ब्लड मां के ब्लड में चला गया होगा, जिससे मदर के ब्लड में एंटीबॉडी पैदा होंगी और उन एंटीबॉडी की वजह से इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस तो इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस से बचने के लिए जब पहली डिलीवरी हुई थी उस समय डॉक्टर वैक्सीन लगाते हैं इम्यूनो ग्लोबुलिन। अभी नेक्स्ट आता है सर्वदाता ब्लड ग्रुप, जो सभी को दे सके अपना ब्लड। तो सर्वदाता कौन सा होगा इनमें, देखिए ओ होगा और ओ में भी कौन सा नेगेटिव वाला, क्योंकि ओ पॉजिटिव के अंदर वो स्कैन वाले बने होंगे तो ओ नेगेटिव, सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, इंटरनेशनल डोनर ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड आप किसी को भी दे दो उसी को फिट बैठेगा, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं है। देन सर्वग्राही इंटरनेशनल रिसीवर है, वो है AB पॉजिटिव। सो ओ नेगेटिव है सर्वदाता है और AB पॉजिटिव है वो सर्वग्राही है, क्योंकि AB पॉजिटिव को आप कोई भी ब्लड दे दो यहां पर तो एंटीबॉडी है ही नहीं। और सबसे ज्यादा जो बीमार पड़ते हैं वो AB ब्लड ग्रुप वाले पड़ते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी न होने के कारण। और सबसे कम बीमार पड़ते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए व एंटीबॉडी बी दोनों होते हैं। तो एक बार हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो एक बार जल्दी जल्दी फिर से रिवाइज कीजिए। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में, ब्लड के दो पार्ट 55% प्लाज्मा और 45% रुधिराणु, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है, एंटीबॉडी ए व बी और स्मॉल ए व स्मॉल बी से इन्हें डिनोट करते हैं। एंटीजन आरबीसी पर होता है, एंटीजन नाम का प्रोटीन आरबीसी पर, जिसको हिंदी में प्रतिजन व ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, प्रतिजन व ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी एंटीजन के ही नाम है, एंटीजन ए व एंटीजन बी, और इनको हम कैपिटल में लिखते हैं, एंटीजन को कैपिटल में, एंटीबॉडी को स्मॉल में। ब्लड का निर्धारण होता है एंटीजन से और एंटीजन आरबीसी पर पाया जाता है। उसके बाद एंटीजन ए यानी ब्लड ग्रुप ए और एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी यानी ब्लड ग्रुप बी और एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए और बी दोनों यानी ब्लड ग्रुप ए बी व एंटीबॉडी कोई नहीं, नेट एंटीजन ए है और न ही एंटीजन बी है, तो ब्लड ग्रुप ओ होगा और एंटीबॉडी ए व बी दोनों होंगे। आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व एएस विनर ने 1940 ईस्वी में की थी, कौन से बंदर की आरबीसी पर, रिसस बंदर। जिन आरबीसी पर ऐसी स्क्वायर टाइप की आकृति पाई गई तो उनको हम बोले आरएच पॉजिटिव, और आरएच नाम लिया रिसस के पहले वाले दो नाम रिसस पॉजिटिव, और जिन पर ऐसे वाली आकृति नहीं मिली वो आरएच नेगेटिव। अगर आरएच पॉजिटिव वाले को आरएच नेगेटिव वाला ब्लड दे दिया तो पहली बार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दोबारा दे दिया तो मौत हो जाएगी। अगर फादर का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है और मदर का आरएच नेगेटिव है तो फर्स्ट डिलीवरी के दौरान तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सेकेंड डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के जस्ट बाद या फिर गर्भाशय में ही बच्चे की मौत हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस से बचने के लिए पहले डिलीवरी के बाद ही मदर को वैक्सीनेट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीनेशन देंगे। तो ये था ब्लड ग्रुप। होप करता हूं अगर आपको माइक्रोस्कोप दे दिया जाए तो आप भी ब्लड ग्रुप की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।